स्टूडेंट्स, मैं पारुल फ्रॉम सृजन का संकल्प। आज हम हमारा परिवेश यानी कि EVS क्लास थर्ड का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिवेशीय पेड़ पौधे। मतलब कि हमें इसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। तो आप जैसे कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, सबसे पहला पेज है, तुम अपने आसपास कौन से पेड़ पौधों को देखते हो उनके नाम लिखो। तो सबसे पहले तो आपको अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखना है और उनके नाम लिखना है। उसके बाद तुम्हारे आसपास के पेड़ पौधे एक दूसरे से किस प्रकार अलग अलग दिखाई देते हैं लिखो। जैसे कि आपके आसपास अमरूद लगा है और नीम का पेड़ भी लगा है, तो नीम और अमरूद दोनों अलग अलग होंगे ना। मतलब नीम के पेड़ की पत्तियां कुछ अलग होंगी और अमरूद के पेड़ की पत्तियां कुछ अलग होंगी, तो आपको वही लिखना है। आप किस तरह से सोच पाते हैं या समझ पाते हैं, आपको पहले इसमें लिखना है खुद से देखकर। उसके बाद इन सब के बारे में नीचे बताया गया है। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, यह एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। उन्होंने सबसे ऊपर पूछा था, तुम अपने आसपास कौन से पेड़ पौधों को देखते हो। तो हमारे आसपास कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधों को हम पहचानते हैं। किस प्रकार पहचानते हैं तरह तरह के पेड़ पौधों को? पत्तियों से, फर्स्ट। सेकंड, फलों से। थर्ड, फूलों से। पत्तियां अलग अलग होती हैं, किसी भी पेड़ की एक जैसी पत्तियां नहीं होती। नीम की अलग होंगी, बरगद की अलग होंगी, अमरूद की अलग होंगी। इसी प्रकार फलों से, जैसे अमरूद का पेड़ अमरूद का फल देता है, आम का पेड़ आम का फल देता है। इसके बाद है फूलों से, सब में अलग अलग फूल होते हैं, तो उनको पहचानने की कई सारी लंबाई और तने की मोटाई से, लंबे होते हैं कुछ, कुछ छोटे होते हैं, किसी का तना पतला होता है, किसी का तना मोटा होता है, तो इससे भी पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है तरह तरह की पत्तियाँ। अब आपको इस पैराग्राफ में समझना है कि पत्तियाँ कितने तरह की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पर क्या सभी की पत्तियाँ एक जैसी होती हैं? जैसे कि इससे पहले मैंने बताया ही आपको कि सभी की पत्तियाँ अलग अलग होती हैं, इससे ही हम पेड़ों को पहचान पाते हैं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ लंबी और नुकीली होती हैं और कुछ की गोल होती हैं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ लंबी या नुकीली होती हैं और कुछ की गोल होती हैं। पेड़ पौधों की पत्तियाँ बड़ी होती हैं, कुछ की छोटी। कुछ पत्तियों का किनारा कटीला होता है, कुछ का चिकना होता है। पेड़ पौधों की पत्तियाँ बड़ी होती हैं, कुछ की छोटी। कुछ पत्तियों का किनारा कटीला होता है, कुछ का चिकना होता है। मतलब कोई भी एक जैसी नहीं होती, किसी का किनारा पतला होता है, किसी का चिकना होता है। क्या आपने केला, लौकी और अरवी की पत्तियों को देखा है? क्या आपने केला, लौकी और अरवी की पत्तियों को देखा है? तो अगर आपने देखा होगा तो आप समझ जाएंगे इनकी पत्तियाँ अन्य पेड़ पौधों की पत्तियों से कैसे अलग होती हैं। अपने आसपास के विभिन्न प्रकार की पत्तियां इकट्ठी करो। इन पत्तियों की मदद से नीचे दिए गए अभ्यास पर पूरा करो। अब आपको इस चित्र में दिखाई दे रही हैं कुछ पत्तियां, ठीक है। उन पत्तियों में से आपको डिफाइन करना है कि कौन सी किसकी पत्ती है, या फिर अपने आस अगर वो कह रहा है कि आपको खुद से ये सोचना है। जैसे आपके आसपास जो भी पेड़ लगे हों, अलग अलग पेड़ों की पत्तियों को इकट्ठा करिए और पहचानिए कि ये कौन सी पत्तियाँ हैं। जो इस चित्र में बना हुआ है वैसी पत्तियां अगर आपको मिल जाएंगी तो आप पहचान जाओगे कि ये पत्तियां कौन से पेड़ की हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पत्ती बनी है वो मुझे अमरूद की लग रही है। आपको क्या लग रहा है? अमरूद की ही है। और दूसरी इसमें जो पत्ती है वो आम की है। तीसरी जो पत्ती है वो नीम की है। और चौथी जो पत्ती है वो शायद तुलसी की पत्ती है। और पांचवी जो है वो इसमें पत्ती है आपकी पीपल के पेड़ की। छठवीं है आपके पपीते के पेड़ की। और सातवीं जो पत्ती है वो है आपके गुलाब की। आठवीं पत्ती आप खुद से सोचिए, लिखिए और बताइए, ठीक है। वैसे बहुत आसान है ये पत्तियाँ। आप लोग अपने आसपास पेड़ पौधे देखते ही रहते होंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
पत्तियों के किनारों पर पेंसिल चलाओ, पत्तियों के अलग अलग आकार बनाकर अपने दोस्तों को दिखाओ। अच्छा, पत्तियों के किनारों पर, पत्तियों के जो किनारा बना है इस पर आप पेंसिल चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका किनारा किस आकार का है। इसलिए किताब में कहा गया है कि पत्तियों के किनारे पेंसिल चलाओ और अपने दोस्तों को बना के दिखाओ। आप पत्तियों के किनारे पेंसिल चलाओगे तो पत्तियों का आकार बन जाएगा। जैसे कि कोई भी ये पत्ती है, जैसे मान लो ये पीपल के पेड़ की है और मैं ऐसे 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 इसमें आकार बनाऊंगी, किनारे किनारे आप चलाओगे तो ये पूरा शेप बन जाएगा। वैसे ही बहुत अच्छी नहीं बनी है, ऐसे ही कुछ बनेगा। ठीक है, इसके बाद पेड़ और पौधे, कुछ पेड़ और पौधे दिए हैं। पहला इस चित्र में देखिए आप, पहला जो दिया हुआ है वो आपके तुलसी का पेड़ है, दूसरे में तो कुछ लटक रहा है जो आपकी बहुत मस्त मनपसंद चीज़ें हैं, तो आप पहचान ही गए होंगे दूसरा पौधा कौन सा है, आम का पेड़ है दूसरा, है ना। उसके बाद तीसरा जो है चित्र में वो नीम का पेड़ है, उसके बाद जो है फिर गुलाब का पेड़ है, फिर पीपल का पेड़ है और हाँ ये अमरूद का पेड़ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है चित्र देखो और चर्चा करो। अच्छा, अब जो पीछे आपके जो चित्र दिए हुए हैं उनको देखकर आपको पहचानना है, समझना है कि ये कौन से पेड़ हैं, और पढ़ते हैं समझ में आ जाए। क्या सभी पेड़ पौधे लंबाई में एक जैसे होते हैं, तो आप चित्र देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इसका जवाब क्या होगा। नहीं, कोई एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं, या तो वो पत्तियों से अलग होते हैं, या फलों से अलग होते हैं, या फूलों से अलग होते हैं, जड़ तनों से भी अलग अलग होते हैं, है ना। एक जैसा कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता। क्या सभी पेड़ पौधे के तनों की मोटाई एक जैसी दिखाई देती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी पेड़ पौधे के तने एक समान नहीं होते हैं, तनों की मोटाई और लंबाई में भिन्नता होती है। ठीक, कुछ तनों में शाखाएं लंबी होती हैं और कुछ में घनी हो जाती हैं। कुछ तनों में शाखाएं लंबी होती हैं और कुछ में घनी हो जाती हैं। कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं जिनकी लंबाई कम होती है, और तने पतले लचीले होते हैं, उन्हें हम पौधों के रूप में पहचानते हैं। अच्छा, पेड़ और पौधे में डिफरेंस होता है, मतलब अलग अलग होते हैं, तो कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा पेड़ है और कौन पौधा है? पार्ट जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको और अच्छे से समझिए, पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।